Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, so once again welcome to Unacademy GET AME XCPI YouTube channel. Myself Sandeep Chandrakar and ये जो session है, इस session में we will discuss कि भाई आपके पास ठीक है जो subjects है उन subjects में आपके पास जो concept है उन concept को कैसे build up करें. ठीक है, concept को कैसे आप strong build up करने वाले हो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, right? तो इस session को start करने से पहले ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन. ठीक है, माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सिक्योर्ड AIR 242 इन GET 2011 एग्जाम, राइट? एंड आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर फ्रॉम IIT दिल्ली इन थर्मल इंजीनियरिंग. और अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन, आइदर इट इज अ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो. दिस इज अ रेफरल कोड CHA10, सो दिस इज माई रेफरल कोड CHA10, राइट? ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो, राइट? सो आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो मेरे मेंटरशिप के अंडर में स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, सो 12 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये आपको पे करना होगा, राइट? अगर आप प्लान कर रहे हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर द 12 मंथ, सो 12 मंथ के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट? EMI का ऑप्शन भी है, सो आप EMI के ऑप्शन पे भी जा सकते हो. EMI का ऑप्शन, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है EMI के ऑप्शन पे भी, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए तो आज का जो डिस्कशन है, ये वाला आपके पास जो डिस्कशन है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार यहाँ पे,
कॉन्सेप्ट कैसे बिल्टअप करें, है ना। ये आपके पास बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे, राइट। देखो तो अभी लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, या फिर आप, ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होगे। कुछ लोग तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो आप आगे प्रिपरेशन करने का सोच रहे होगे, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी एग्जाम टारगेट करने वाले हो, जो भी एग्जाम, चाहे आपके पास वो गेट का एग्जाम हो, चाहे आपके पास ईएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके पास एसएससी का एग्जाम हो, या आपके पास स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, स्टेट के एग्जाम्स हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, राइट। आपके आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, राइट। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, राइट। सो अगर सपोज आपके पास कंप्लीट सिलेबस है, तो मैं ये मान के चलता हूं अगर आपके पास 70-80% सिलेबस में अगर आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेहतरीन है, तो आपके पास फिर सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो कहां पे लैक होता है, ठीक है, लैक कहां पे करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग कहां पे लैक करते हैं, लैक हम लोग करते हैं यार कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हम चीजों को थोड़ा सा रटने पे भरोसा करते हैं, ठीक है। चीजों को हम कई बार क्या करते थे, हम लोग ना ब्लाइंडली रट लेते हैं, ठीक है, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने के बाद चीजों को समझना भी पड़ेगा, राइट। सो अब यहां पे एक चीज जो आती है, ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है, इससे मेरा मतलब क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैं कैसे स्ट्रांग कर सकता हूं, कॉन्सेप्ट मेरा कितना स्ट्रांग है, इससे अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इससे मेरा जो मतलब है वो मतलब मेरा क्या है, ठीक है। कब आप बोलोगे कि मेरा कॉन्सेप्ट है वो भैया बढ़िया हो चुका है, कब बोलोगे कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो चुका है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या होता है, जब आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ना, और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपके पास, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, राइट, अब वो कॉन्सेप्ट आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आगे जाके आपके पास मशीन डिजाइन में भी यूज होता है, वही कॉन्सेप्ट आपके पास कभी कभी प्रोडक्शन में भी आपके पास यूज होता है, राइट। इवन आपके पास जैसे आप थर्मल वाला पार्ट देखोगे, तो जो बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसमें जो कॉन्सेप्ट आप बनाओगे वो आपके पास एप्लीकेशन में यूज होगा, बिना बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के आप एप्लीकेशन के बारे में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो जब तक आपके पास ये जो बेस अच्छा नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके पास जो दूसरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे बन जाएंगे, राइट। तो कब मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग है, जब मैं उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर मेरे पास कोई और दूसरे सब्जेक्ट में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उन कॉन्सेप्ट को मैं पूरा का पूरा रिकॉल कर पाऊँ, ठीक है, जो नया कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट मुझे कंप्लीटली समझ में आए, ठीक है, पुराने कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाए, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बना हुआ है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखो कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक, राइट, कॉन्सेप्ट को यूज करिए, और कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अगर आपसे टैकल हो जा रहा है, वो प्रॉब्लम्स आपसे बन जा रहा है, तो फिर बिल्कुल आप बोल सकते हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे सही तरीके से आपके पास क्या हो रहा है, बिल्टअप होता है, राइट। तो जब भी आपको ऐसा समझना होगा ना कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट सही तरीके से बिल्टअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान दिया करो कि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट का यूज अगर आपके पास किसी दूसरे सब्जेक्ट में हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा रिकॉल होना चाहिए। बिल्कुल भी आप कॉन्सेप्ट को गलत मत अप्लाई करिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई करोगे ना, तो आपका पहले का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, और एट द सेम टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में पूरा का मैशअप कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट लाइक दैट, कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसा तो बिल्कुल नहीं है ना, कि आपने रट के गए और वहां जाके आपने कर लिया, नहीं। और कितनी चीजों को आप रट सकते हो, आप बहुत सारी चीजों को नहीं रट सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम भी आपको टैकल करना आना चाहिए, प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व होना चाहिए, तो इन चीजों का भी आपको क्या करना है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, कुछ मैंने मतलब स्पेशली मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, यहां पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो है वो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और उन पॉइंट्स को, ठीक है, आप यूज करिए, सो दैट कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, एक्स वाई जेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रांग कर पाओ, राइट। तो देखो सबसे पहला मेरा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है, मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा यहां पे, और ये जो 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लीजिए, यही 5 पॉइंट्स जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने पे, ठीक है, आपको हेल्प करने वाला है, राइट।
सबसे पहले जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो, राइट, किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करते हो तो कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़िए, रीड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए। आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के में आप पढ़िए, राइट। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो तो ऑनलाइन वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो बोलने का मतलब यह है कि आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, आपके पास कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल वे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो व्हाटएवर द कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें जो कॉन्सेप्ट ना, उस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़िए, रीड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। चाहे आप बुक से पढ़ रहे होगे, चाहे आप किसी अपने एजुकेटर से पढ़ रहे होगे, कहीं पे भी आप पढ़िए तो भाई कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़िए, रीड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, और ये आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते भी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते भी हैं कि आपके पास एटलीस्ट इतना तो होता है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली, ठीक है, पढ़ते हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं करते हैं, करते हैं आप लोग, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आपके पास जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ना, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए, राइट। जैसे कि अगर सपोज मैंने जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एकदम सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ यार। देखो सभी के सभी, आप अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ जैसे आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में अगर हम लोग जब पढ़ते हैं ना, आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में, तो आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, कहाँ पे हम लोग लैग करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी आप लिखते हो आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको पता होता है कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी है, राइट। ये तो आपके पास सबको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत यहाँ पे होती है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि यहाँ पे ये जो प्रेशर आप यूज कर रहे हो ना, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, दिस प्रेशर इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये प्रेशर आपके पास क्या होता है, ये प्रेशर जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, राइट। तो कल के दिन में जब आपके पास क्वेश्चन मिलता है ना, तो क्वेश्चन जब मिलता है तो क्या होता है, ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है प्रेशर किस में गिवन होता है, प्रेशर आपके पास गेज स्केल में गिवन होता है, प्रेशर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रेशर आपके पास गेज स्केल में गिवन है, राइट। अब आपको ये क्या करोगे, अगर आपको गेज प्रेशर गिवन है तो ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, डायरेक्टली पुट करके आ जाओगे, राइट। क्योंकि आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट किया ही नहीं है। आपको पता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, लेकिन आपको ये नहीं ये उस समय आपके हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्लिक ना किया हो कि वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जब भी आपके पास कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट करिए। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, ठीक है, हर एजुकेटर आपसे बोलता है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। शॉर्ट नोट्स जो बनाना है ना, शॉर्ट नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार, शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, ये आपका अपना शॉर्ट नोट्स होता है, और ये जो आपका अपना शॉर्ट नोट्स होता है ना, उसमें आप कुछ भी चीजें लिखो, राइट। मुझे अगर पता है कि ठीक है, मुझे पर्टिकुलर एक इक्वेशन है जैसे पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, मुझे जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी मैं सब चीज लिखूंगा उस शॉर्ट नोट्स में। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि उस शॉर्ट नोट्स में आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको आप क्या कर पाओ, उसको आप नोट कर पाओ। आप लोग यहाँ पे लैग करते हो, आप ठीक है, आज आपने पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट याद भी है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, वो आपको आज याद रहेगा। लेकिन कल के दिन में जब आप क्या करोगे, जब आप फर्दर आज से 4 महीने के बाद, आज से 5 महीने के बाद जब वापस से आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो फिर आप वही गलतियां करोगे, राइट। ये तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाया है, ठीक है, बड़ी बड़ी गलतियां और होती है, राइट। तो व्हाटएवर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप शॉर्ट नोट्स में नोट करिए, प्रॉपर वे में शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिना शॉर्ट नोट्स के आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर सकते हो, राइट। सो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, भाई कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली पढ़िए, कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझिए, जहां पे भी आप पढ़ रहे होगे वहां पे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी जरूरी है, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नो, डोंट प्रिफर द सीन, यार किसी का नोट्स आप कैसे प्रिफर कर सकते हो, आप किसी का शॉर्ट नोट्स क्यों प्रिफर करोगे, राइट। यार शॉर्ट नोट्स तो आपका अपना खुद का होना चाहिए ना, और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हो, तो क्यों किसी और का शॉर्ट नोट्स प्रिफर करना, ठीक है। मैं ये चीज सजेस्ट नहीं करता हूँ दोस्त, कि आप, मुझे लगता है कि खुद का जो शॉर्ट नोट्स है वो खुद के लिए होना चाहिए, राइट।
किसी और का शॉर्ट नोट्स आप प्रीफर करोगे, अब भाई उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना नोट करके रखा है और आपके लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। किसी और का शॉर्ट नोट्स यूज मत करो, ठीक है, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो आप क्या करते हो ना, कई बार मैंने देखा भी है, ठीक है, आप लोग क्या करते हो लास्ट में, ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल और एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूं, जैसे ठीक है आपने लिखा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं ना, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि अगर मुझे स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जब भी मैं स्टैटिक प्रेशर की बात करता हूं तो स्टैटिक प्रेशर को मैं लिखता हूं दैट इज नथिंग बट द रो इंटू जी इंटू एच, हम लोग ये लिख लेते हैं पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ये हम लोग लिख लेते हैं, राइट। लेकिन कितने लोगों को ये पता है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने लोगों को ये पता है कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर है या प्रेशर या गेज प्रेशर है। और साथ में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए, ये जो इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हो ना पी इज इक्वल टू रो जी एच, इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब क्या एजम्पशन और है, राइट। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि जब P इज इक्वल टू रो जी आप लगाते हो ना तो ये कौन सा प्रेशर होता है, ये होता है आपके पास गेज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है गेज प्रेशर। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, क्यों, क्योंकि वो एंड रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या करते हो आप, डायरेक्टली जो एंड रिजल्ट आता है ना यार, उस एंड रिजल्ट को आप डायरेक्टली क्या कर लेते हो, डायरेक्टली याद कर लेते हो, राइट। तो भाई डायरेक्टली याद तो कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं कि आपके पास अगर आप चीजों को याद रख सकते हो तो याद रखें, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपके पास कोई एंड रिजल्ट को आप याद रखते हो ना तो उसके पीछे जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उन मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखिए, क्योंकि कोई भी चीज जब डिराइव होती है ना तो डिराइव होती है तो आपके पास क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो यार, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप डेरिवेशन करते हो तो नंबर ऑफ एजम्पशंस आर इन्वॉल्व, नंबर ऑफ एजम्पशंस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, राइट। तो आप ये देखो कि जब भी आप, ठीक है, एंड रिजल्ट आ तो रहा है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, एंड रिजल्ट आए, लेकिन एंड रिजल्ट लाने के लिए आपने क्या क्या मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म किया हुआ है, इन चीजों को बड़ा ध्यान देना जरूरी होता है। लेकिन आज की डेट में आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा मिस्टेक आपके पास यहीं पे होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक आप यहीं पे करते हैं कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली आप एंड रिजल्ट को याद रख लेते हैं, राइट। ऐसा मत करिए, अगर एंड रिजल्ट को आप याद करोगे ना और क्वेश्चन कल के दिन में आपके पास घुमा के दे दिया तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जैसे इसी प्रॉब्लम में अगर आपके पास, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, राइट। यहां पे अगर मैं मान लो एक कंटेनर ले लेता हूं, ऐसा एक कंटेनर ले लेता हूं, और इस कंटेनर में जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हम यहां पे डेंसिटी को क्या कर देते हैं, हम लोग डेंसिटी को वेरी करवा देते हैं, राइट। डेंसिटी को हम लोग कॉन्स्टेंट नहीं रखते, डेंसिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, डेंसिटी को हम लोग वेरी करवा देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि ये जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी आपके पास क्या है, वाई का फंक्शन है। ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी आपके पास क्या है, ये डेंसिटी जो है वो वाई का फंक्शन है, राइट। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब तो आप याद करके गए हो, क्या याद करके गए हो, पी इज इक्वल टू रो जी एच, राइट। अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, ये आपके पास बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब आप क्या किए हो, फॉर्मूला तो याद करके गए हो रो जी एच, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, डेंसिटी यहाँ पे वेरिएशन आ गया। अब डेंसिटी यहाँ पे वेरिएशन आ गया तो फिर कैसे करोगे, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप समझिए कि अगर मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मेरे पास डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है तो भाई मैं कहां से जाऊंगा, बेसिक इक्वेशन से जाऊंगा, और डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, ये आपके पास जो रोजी है इसको लेके मैं क्या करूंगा, इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। तो मैथमेटिकल एनालिसिस किसी भी कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरी होता है, अगर आप मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करोगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसोगे, राइट। इसके अलावा और मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं, जैसे कि आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ते हो ना तब आपके पास जैसे एक ऑब्लिक प्लेन पे है ना, जैसे एक ऑब्लिक प्लेन होता है यार, जैसे जस्ट एक एग्जांपल, अभी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को आइडिया जरूर होगा, जैसे कि ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया टू डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट, ऐसा मेरे पास टू डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट है, और ये जो टू डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट है ना, इसमें आपके पास देखो इस डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, इस डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेस है सिग्मा वाई, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया सिग्मा एक्स, और इस डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेस जो हो गया ये हो गया सिग्मा वाई, करेक्ट है पॉइंट। अब आपके पास देखो क्या होता है, अगर आपसे ये मैं पूछ दूं कि यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्लिक प्लेन ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक ऑब्लिक प्लेन ले लेता हूँ, और ये जो ऑब्लिक प्लेन है, ये ऑब्लिक प्लेन इस वर्टिकल प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, चलिए हम लोग सिग्मा थीटा फाइंड आउट करते हैं, हम लोग टाउ थीटा फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो ये जो सिग्मा थीटा है, ये जो टाउ थीटा है, ठीक है, इसको आप, इसका जो एंड रिजल्ट है वो आप डायरेक्टली याद कर लेते हो,
राइट right. लेकिन कई बार गलती क्या होती है पता है, कई बार गलती होती है कि आपको क्या करता है, आपको क्वेश्चन में ये फिगर बना के दे देगा ऐसा, ठीक है। आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ठीक है। ऐसा आपको क्या दे दिया, ऑब्लिक प्लेन दे दिया, और इस ऑब्लिक प्लेन में क्या कर देता है, ठीक है, जब ये टाउ थीटा जब यहां पे आप लिखते हो ना, तो ये जो टाउ थीटा होता है ये किधर होता है, ये नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ ले होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन देगा ना, तो इस क्वेश्चन में ये जो टाउ थीटा है इसको ऊपर की तरफ दिखा देगा, तो क्या चेंजेस आएगा, है ना, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, तो ये समझना भी आपके पास जरूरी है, राइट। जैसे एक बच्चे ने अभी अभी कमेंट किया, सर डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रोजी, राइट। अब देखो इसकी भी बड़ी कहानी है, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रोजी, मैं चाहूं तो डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू रोजी लिख सकता हूं, यार मैं डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रोजी लिख सकता हूं, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, माई माइनस रोजी लिखता हूं, ये मेरे ऊपर है, राइट। क्यों, देखो अगर मैं dp by dy is equal to मैं प्लस रोजी लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेके चलता हूं, पॉजिटिव लेके चलता हूं, और अगर मैं dp by dy is equal to माइनस रोजी लिखता हूं, तब मैं इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेके चलता हूं, मैं निगेटिव लेके चलता हूं, राइट। तो ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप dp by dy is equal to रोजी भी लिख सकते हो, dp by dy is equal to आप माइनस रोजी भी लिख सकते हो, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो कभी भी कोई भी जब एंड रिजल्ट आप याद रखते हो ना, तो एंड रिजल्ट याद रखने के पहले आप शॉर्टकट बना तो लो, शॉर्टकट आप बनाओ, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि शॉर्टकट मत बनाओ, शॉर्टकट बनाओ, लेकिन जब आप एंड रिजल्ट को आप याद रखते हो ना, तो इसके पीछे आप देखो कि आपके पैसे जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, जो डेरिवेशन है, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, ये बोलने का मतलब है मेरा, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपके पास क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, राइट। क्योंकि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर आपके पास जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही नहीं होगी, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं करोगे प्रॉब्लम में, तब तक आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट का आपके पास मतलब नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, अगर आप कॉन्सेप्ट बना तो लोगे, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप कॉन्सेप्ट तो बना लोगे, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके पास उस कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको दिक्कत ही होगी, आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए कोई भी जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट के पीछे, ठीक है, जो आपके पास मैथमेटिकल थिंग्स इन्वॉल्व है उसको आप देखिए, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, राइट। अगर आपके पास कोई भी, अगर देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, राइट, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, देखो एक प्रॉब्लम आप डील कर रहे हो, है ना, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक प्रॉब्लम आप डील कर रहे हो, ठीक है, चलो आपके पास गेट का ही प्रॉब्लम है, राइट, आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, आपने जाके उस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, है ना, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली जाके क्या करते हो पता है, आप डायरेक्टली जाके सॉल्यूशन देखते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैंने देखा है, मैं 95-98% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनकी टेंडेंसी यही होती है, क्या टेंडेंसी होती है पता है, आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, क्वेश्चन में आप कहीं पे स्टक हो गए, आपका जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो कॉन्सेप्ट आपको काम नहीं कर रहा है, वहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करते हो पता है, आप डायरेक्टली जाके क्या करते हो, डायरेक्टली जाके आप फिर सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर देते हो। अरे ऐसा करोगे तो आपके पास कभी भी आपके पास अप्रोच बिल्टअप होगा ही नहीं आपके आपके दिमाग में, अगर आप ऐसा करोगे ना, कभी भी आपके पास अप्रोच जो है वो बिल्टअप होगा ही नहीं। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच बिल्टअप करना, राइट। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आप डायरेक्टली आप पीछे गए सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन आपने देख लिया, ठीक है, विच इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। आप पहले ये देखो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो क्वेश्चन नहीं बनने का रीजन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए हो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो फिर आप वापस आइए, राइट। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से आप अप्लाई नहीं करिए, तो वापस आके आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, ना कि आप जाके उसका सॉल्यूशन देखिए, राइट। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ 95% 98% स्टूडेंट यहीं पे लैग करते हो, कि क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं बना आपसे, आप कंप्लीटली इम्पेशेंट हो जाते हो, और इम्पेशेंट जब आप होते हो, तो आप डायरेक्टली फिर जाके क्या कर देते हो, आप डायरेक्टली जाके सॉल्यूशन देखते हो, और भाई सॉल्यूशन तो यार, सॉल्यूशन देखने से तो कोई भी बना लेगा यार सॉल्यूशन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज क्लियर होता है, सॉल्यूशन दोगे तो ये स्टेप के बाद मैं ये स्टेप में फंस रहा था,
ठीक है। तो ये स्टेप के बाद, ये स्टेप में अगर आप फंस रहे हो तो आपके पास वो स्टेप ऑलरेडी सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में अप्रोच आया ही कहां, राइट। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन डील कर रहे हो और जब आप क्वेश्चन में फंसते हो ना, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रिफर मत करिए, ठीक है, वो आप अपना लॉस कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि ठीक है मेरा लॉस हो रहा है, कि अगर मैं कोई क्वेश्चन में फंस गया हूं तो मेरा लॉस हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना वो सबसे टफ होता है, स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है, राइट। जो आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला जो पार्ट होता है ना यार, वो सबसे टफ होता है। एक बार कॉन्सेप्ट सही तरीके से बिल्ट अप हो गया तो फिर आपके पास क्वेश्चन बनाने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, राइट। तो ये जो अप्रोच होगा ना, इस अप्रोच को चेंज करिए। कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन जाके मत देखो, पहले ये तो सोचो कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। आपको अगर लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट सही तरीके से अप्लाई नहीं किया है तो वापस आइए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, ठीक है, रिवाइज करिए उस कॉन्सेप्ट को और फिर जाके आप कोशिश करिए फिर से प्रॉब्लम को बनाने का। नहीं बनता, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं बनता तो, लेकिन आपको कम से कम ये रहेगा कि हाँ मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखा, मैंने डायरेक्टली क्या किया, पहले आपके पास जो कॉन्सेप्ट था उसकी मैंने क्या की, प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये जो रिवीजन वाला पार्ट होता है ना, दैट रिवीजन वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई एम सेइंग, यही जो चीजें होती है ना, ये आपके पास, ठीक है, यही आपके पास एटीट्यूड, मैं बोलूं यही आपके पास डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में, राइट। एक अगर आप देखोगे ना, कोई एग्जाम में जो अच्छा करता है उसका जो अप्रोच होता है वो समहाउ लिटिल बिट डिफरेंट। जो एक एग्जाम में अच्छा करता है ना, उसका जो एटीट्यूड होता है ना, मतलब टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, वो आपके पास डिफरेंट होता है, और एक जो एवरेज बच्चा होता है उसका कहीं ना कहीं नॉर्मल होता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास उसके पढ़ने में डिफरेंस था या आपके पढ़ने में डिफरेंस था, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पढ़ने का तरीका डिफरेंस हो सकता है और आपके पढ़ने का तरीका डिफरेंस हो सकता है, दैट इज, क्योंकि मोर और लेस पढ़ोगे तो सभी सेम ही, राइट। तो उस बच्चे ने वही किया, ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को उसको प्रॉब्लम नहीं बन रहे, तो वो कॉन्सेप्ट को आके पढ़ेगा, ना कि डायरेक्टली जाके सॉल्यूशन देखेगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देख लोगे, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप समझ भी लोगे, है ना, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बना उसका सॉल्यूशन आप देख भी लोगे। लेकिन क्या होगा अगर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाए, तो तब फिर आप कैसे करोगे, तब तो उसका सॉल्यूशन होगा नहीं आपके पास। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद राइट एटीट्यूड, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके पास सही तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आज के बाद से इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो यार, कि जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओ, इवन, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करते, एक स्टैंडर्ड बुक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी हम बना देंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक के ऊपर की क्या क्या स्टैंडर्ड बुक जो आपको फॉलो करना चाहिए, आगे जो आपके पास गेट की जो प्रिपरेशन होने वाली है, गेट 2022 के लिए जो टारगेट कर रहे हो या 2023 के लिए जो टारगेट कर रहे हो, उनके लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक आप प्रिफर कर रहे हो ना, एटलीस्ट उन स्टैंडर्ड बुक के जो, ठीक है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, इवन आपके पास स्टार्टिंग में अगर आप सॉल्व्ड प्रॉब्लम भी आप बना रहे हो ना, ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को देखो और उसके बाद डायरेक्टली सॉल्यूशन को मत देखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं। सॉल्व्ड प्रॉब्लम अगर हम बनाने बोलते हैं ना कि सॉल्व प्रॉब्लम आप बनाइए, तो सॉल्व प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन कहीं में फंसोगे तो सॉल्यूशन देख लो, नो, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसके बाद एटलीस्ट आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, अब आप उस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल आप सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो इम्पेशेंट होके मत बनाया करो। ऐसा नहीं कि अभी हाँ ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसा ऐसा कुछ किया, उसके बाद आंसर नहीं आया, तो तुरंत जाके आप लोगों ने क्या कर दिया, तुरंत जाके आप लोगों ने फिर सॉल्यूशन देख लिया, राइट। और एक चीज और, ये एटीट्यूड भी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी क्वेश्चन को पकड़ते हो ना, तो उस क्वेश्चन को जब आप पकड़ते हो तो सॉल्व जब करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपने 4-5 स्टेप लिखा उसके बाद आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको आपने बीच में छोड़ दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने चले गए, डोंट डू दैट, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को आपने स्टार्ट किया है ना, तो उसको फाइनल एंड तक, जब तक आपका आंसर नहीं आया तब तक आप उसको सॉल्व करिए, राइट। क्योंकि क्या होगा, अभी आपको लगता है कि 3-4 स्टेप में आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा जब आगे आप बढ़ोगे ना, तो हो सकता है कि जहां पे, हो सकता है कि आपके पास किसी स्टेप में आप जाके फंस जाओ फिर से। तो डोंट डू दैट। अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, तो पहले पूरा आंसर लो भैया, ठीक है, बीच में मत छोड़ो कि 3 स्टेप लिखा उसके बाद आपको लगा कि क्वेश्चन बन जाएगा और फिर बाद में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, राइट। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, राइट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है।
और आपके पास साथ में आपके पास एक सही एटीट्यूड के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है, राइट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज फिर से मैं बोल रहा हूं यार, स्टार्टिंग फेज होता है ना किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को। ये चीजें शायद आप भी अब फील करने लग गए होंगे, आपके पास जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो स्टार्टिंग फेज डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग फेज टफ होता है। उसके बाद का जो फेज होता है ना, वो डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि बाद के फेजेस में आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत डिफरेंट हो जाता है जब आपके पास एक बार क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग का फेज है ना, वो स्टार्टिंग के फेज में दिक्कत तो होगी। बोलते हैं ना कि अगर आपको सपोज आपके पास एक पेड़ है और पेड़ को अगर आपको काटना है, तो ऐसा तो नहीं आपके पास एक कुल्हाड़ी होगी और कुल्हाड़ी होगी तो डायरेक्टली जाके आप उस पेड़ को काटना स्टार्ट कर दोगे। नहीं, पहले आप क्या करोगे, जो कुल्हाड़ी को है मस्त अच्छे से धारदार बनाओगे ना, उसकी शार्पनेस को क्या करोगे, शार्पनेस को बढ़ाओगे। तो शार्पनेस को आप जब बढ़ाओगे और उसके बाद पेड़ को काटने जाओगे, और एक बार आपके पास एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसमें शार्पनेस नहीं है, उसमें आप डायरेक्टली पेड़ को काटने चले गए, तो भाई आप बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। खुद सोच के देखना आपके पास किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। अगर आपके पास एक कुल्हाड़ी है जिसमें शार्पनेस अच्छी है, उसमें आपका पेड़ जल्दी कट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी कुल्हाड़ी लेके जा रहे हो ना जिसकी शार्पनेस अच्छी नहीं है, अगर आप पेड़ को काटने बैठोगे ना, आपको लगेगा स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं शार्पनेस बढ़ा रहा हूं। स्टार्टिंग में सबको लगेगा ठीक है कि भाई मैं क्या ये फालतू का काम कर रहा हूँ यार, मैं शार्पनेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं जाके पेड़ को ऐसे भी काट सकता हूँ। लेकिन जब बाद में वही चीजें आप करोगे ना कि बिना शार्पनेस के आप वो कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि यार पहले मुझे उसको शार्प करना था। दैट इज एप्लीकेबल इज हियर ऑल्सो। पहले आप कॉन्सेप्ट को शार्प करिए, और कॉन्सेप्ट को आप शार्प करोगे ना, फिर बाद में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होती है, आप डायरेक्टली क्या करते हो, ठीक है ये पढ़ लेते पढ़ लो जितना पढ़ना है, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो ही नहीं सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपके पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसा आप करते आए हो, ठीक है भी, ठीक है रात भर पढ़े और सुबह जाके तो हमको लिखना है, ठीक है, डोंट डू दैट, ये नहीं करना है, राइट। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये है आपके पास अब कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होता है यार, रिविजन, ठीक है। रिविजन क्या होता है, आपके पास अगर किसी चीज को आपने पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़ा, या किसी भी पर्टिकुलर आपने कॉन्सेप्ट को आज सीखा, ठीक है, अब आप उस कॉन्सेप्ट को अगर आप 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिटेन नहीं कर पाओगे। तो रिटेनेबिलिटी जो होती है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो रिटेनेबिलिटी होती है ना किसी भी कॉन्सेप्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आज आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, राइट, अब आपके पास आप उसको 15 दिन मत पढ़िए यार, आप डायरेक्टली उसको 15 दिन के बाद उठा के पढ़िए, या 20 दिन के बाद, या एक महीने के बाद उठा के पढ़िए, आपको वो नया नया लगेगा, राइट। तो देखो, कोई भी जब हम नई चीज सीखते हैं ना, कोई भी जब हम नई चीज सीखते हैं, तो उसकी जो रिटेनेबिलिटी है ना, वो कम होती है। ये तो आप सभी लोग मानते हैं ना कि कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं, ठीक है, पहली बार अगर हम कोई चीज को सीखे हैं, तो वो हम जल्दी, मतलब ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको हम जल्दी भूल भी जाएंगे, राइट। तो जल्दी आपको भूलना भी नहीं है, क्या होता है ना, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज आपने नया सीखा, ठीक है, तो उसके भूलने का, उसको जल्दी से जल्दी भूलने का आपके पास जो टेंडेंसी है, वो भी आपके पास बढ़ता जाता है, राइट। तो जब भी आप कोई नई चीज सीखो ना, आप बहुत ज्यादा लेट मत करो उसको रिवाइज करने में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वही मैंने आपको बताया कि आप कोई जब नई चीज को सीखते हो ना, तो नई चीज आपको उस समय लगता है कि हाँ मुझे तो आता है, मैंने तो सीख लिया है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन आप क्या है, वो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उसी चीज को जब एक महीने के बाद पढ़ोगे ना, एक महीने के बाद, तो आपको फिर से वापस लगेगा कि यार वो कॉन्सेप्ट तो कुछ कुछ भूला भूला लग रहा है ना। तो ये चीज होती है, तो रिटेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, स्टार्टिंग में जो आप सीखे हो, आप ज्यादा टाइम मत लो उसको रिवाइज करने में, 10 दिन या 15 दिन के बाद उसको रिवाइज कर लो। अब देखो, 10 दिन या 15 दिन में आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया, अब आपके पास, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा था तब तो आपके लिए कंप्लीटली वो नया था, जब आपने 10 या 15 दिन के बाद जब उसको आपने रिवाइज किया, तो आपके लिए वो कंप्लीटली नया नहीं है, उसको आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, अब आपके पास ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन के बाद ही उसको फर्दर रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, अब आपको हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की जरूरत कब पड़े, एक महीने के बाद, गेटिंग माई पॉइंट। तो कोई अगर नई चीज है, तो उसको भूलने की प्रोबेबिलिटी भी जल्दी हो जाती है, आप जल्दी भूल जाओगे, उसी लिए जो फर्स्ट रिविजन होता है ना, उसको बहुत जल्दी करना चाहिए, ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिविजन के ऊपर, ठीक है, जो रिविजन होता है ना, जो हम, मुझे नहीं पता आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं पता, पीरियोडिक रिविजन वाली
पीरियोडिक रिवीजन। जब भी आप रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन आपके पास एक सर्टेन पीरियड में होना चाहिए। जैसे आप कोई नई चीज आप सीखे हो तो उसको आप 15 दिन के बाद रिवाइज कर लो। अब उसके बाद उसको एक बार आपने 15 दिन के बाद उसको रिवाइज कर लिया, तो ऐसा नहीं कि फिर उसी चीज को फिर 15 दिन के बाद रिवाइज करो, जरूरत नहीं है। फिर उसको आप एक महीने के बाद रिवाइज करो। तो जब एक महीने के बाद आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, एक महीने के बाद आप रिवाइज करें तो आप उसको दूसरी बार पढ़ रहे हो या तीसरी बार पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद उसको अगर आप डेढ़ महीने के बाद भी रिवाइज करोगे ना, तो भी वो आपके दिमाग में रहेगा, राइट। तो ये जो पीरियड है ना, ये जो पीरियोडिक रिवीजन होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और किसी भी कॉन्सेप्ट की रिटेनेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रिटेन नहीं करोगे तो आप भूलोगे, राइट। तो ये जो चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट्स, अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जल्दी से मैं रिवाइज करता हूं कि 5 पॉइंट्स क्या क्या थे। पहला पॉइंट था, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो एक बार फिर से पढ़ो, किसी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई वीडियो आप देख रहे हो, जो भी आपके पास कंसल्ट एजुकेटर है, आप उनसे पूछे कि सर ये कॉन्सेप्ट में मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे डायरेक्टली प्रॉब्लम बनाने जाओगे तो फंसोगे ही फंसोगे, और वो हमेशा के लिए आपका एक कहीं ना कहीं आपके हमेशा के लिए एक बर्डन रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को ढंग से आता नहीं है। और ये हमेशा डर रहेगा कि यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो भाई फिर मेरा काम हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स में नोट करिए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे शॉर्ट नोट्स में ना, तो उन चीजों को भूलोगे, ठीक है, भूलोगे, और ये बात पक्की है कि आप भूलोगे, राइट। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको बताया था, किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट इमेजिन द इंजीनियरिंग पार्ट और साइंस पार्ट। मैथमेटिक्स तो यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी जब आप कोई कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो ना यार, तो उसके पीछे का क्या मैथमेटिकल, क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो वो मैथमेटिकल एनालिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को, इवन मैं अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को अगर आप एज अ शॉर्टकट, यार शॉर्टकट तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। मैं आपको एक शॉर्टकट, चलो मैं यहीं पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, यहीं पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, कल मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर था? क्वेश्चन आपके पास था सिंगल कॉलम मैनोमीटर के ऊपर, करेक्ट है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन था, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन था, राइट। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में आपको परसेंटेज एरर निकालने बोलता है, परसेंटेज एरर निकालने बोलता है। तो जो परसेंटेज एरर जब निकालने बोलता है ना, तो उसमें आपके पास क्या दिया, दैट कैपिटल ए जो होता है, जो रिजर्वायर का एरिया है, इसको बोल दिया दैट इज नथिंग बट द एन टाइम्स ऑफ द स्मॉल ए, ठीक है। जिस बच्चों को सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में पता होगा, ठीक है, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, ये आपके पास एक रिजर्वायर हो गया, अगर सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में किसी बच्चे को आइडिया होगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, एंड दिस इज अ वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ऐसा कुछ आपके पास होता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एरिया है ना, इस एरिया को मैं कैपिटल ए बोल देता हूं, और इस एरिया को मैं क्या बोल देता हूं, इस एरिया को मैं स्मॉल ए बोल देता हूं, राइट। और यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाता है कि आप परसेंटेज एरर निकालिए, ठीक है, ये कैपिटल ए कितना है, एन टाइम्स ऑफ द स्मॉल ए है, तो आप लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप एज अ शॉर्टकट भी याद रख लेते हैं, 1/n+1 मल्टीप्लाइड बाई 1/n+1 मल्टीप्लाइड बाई 100%, करेक्ट। ये आप इसको याद रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको मना थोड़ी कर रहा हूं आपको, ये तो अच्छी चीज है, इसको आप याद रख पा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास अगर आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे, आप डायरेक्टली आपके पास यहां से परसेंटेज एरर यू कैन कैलकुलेट, राइट। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि कल के दिन में अगर आपके पास इस वर्टिकल लिंब को अगर उसने इंक्लाइंड कर दिया, इस वर्टिकल लिंब को अगर उसने इंक्लाइंड कर दिया इस तरीके से, राइट, ये आपके पास थीटा एंगल है, और थीटा एंगल से उसने क्या कर दिया, थीटा एंगल से उसने इंक्लाइन कर दिया, और अब आपके पास इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि चलो एक काम करो, आप इस क्वेश्चन में मेरे को परसेंटेज एरर बताइए, इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में मेरे को परसेंटेज एरर बताइए, तब तो फिर ये फॉर्मूला तो आपके पास काम आएगा नहीं, क्योंकि ये तो आपने इसको शॉर्टकट के जैसा याद रखा हुआ है ना, इसको तो आपने एज अ शॉर्टकट याद रखा हुआ है, तो भाई इसको अगर आपने एज अ शॉर्टकट रखा है याद, तो अब तो ये यहां पे काम नहीं आने वाला है ना। लेकिन 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 अगर ये शॉर्टकट आता कैसे है, ठीक है, इस शॉर्टकट के लिए कि क्या आपके पास बेसिक थिंग्स थी, क्या था यहां पे, कॉलम बैलेंस आपने किया होगा, कॉलम बैलेंस करने के बाद आपके पास ये एंड एक्सप्रेशन या ये जो शॉर्टकट आया होगा, तो वो जो कॉलम बैलेंस है, उस कॉलम बैलेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए,
गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो चीजें होती है दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो किसी भी चीज को एज अ शॉर्टकट आप याद रखते हो, रखो, अच्छी बात है, याद रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट कब अप्लाई है, अगर आपके पास सिचुएशन अगर चेंज हो जाए, अगर सिचुएशन अगर चेंज हो जाए तब उस केस में फिर मैं, ठीक है, कैसे अप्लाई करूंगा। एक मैं और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। देखो यहां पे आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि सपोज ये मेरे पास क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि आप शॉर्टकट तो रख लेते हो लेकिन कहां कहां पे चीजें चेंजेस आती, राइट? अगर मेरे पास क्या है भाई, अगर मेरे पास इस तरीके का क्या है, एक तरीके का फिक्स्ड बीम है ना, ये फिक्स्ड बीम हो गया, और ये जो फिक्स्ड बीम है ना, इस फिक्स्ड बीम में जस्ट टेक एन एग्जांपल कि यहां पे आपके पास ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपके पास 2L/3 है, और ये डायमेंशन आपके पास क्या है, ये डायमेंशन जो वो L/3 है, ये डायमेंशन आपके पास क्या है, ये डायमेंशन 2L/3 है, और ये डायमेंशन क्या है, L/3 है, करेक्ट है। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन, यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने एक लोड लगा दिया, ये लोड मेरे पास क्या हो गया, ये लोड मेरे पास P है, ये जो लोड है, ये लोड मेरे पास क्या है, ये लोड मेरे पास P है, राइट? अब आपको बोला जाता है ये आपके पास एंड A है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंड B है। अब आपको बोला जाता है कि एक काम करो, एंड A पे रिएक्शन फाइंड आउट करो और आप क्या करो, एंड B पे रिएक्शन फाइंड आउट करो, ठीक है। अब आप एंड A पे रिएक्शन फाइंड आउट करने बोला जाता है और एंड B पे रिएक्शन फाइंड आउट करने बोला जाता है, तो A पे और B पे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कुछ लोगों ने ऐसा शॉर्टकट पढ़ा होगा कि P मल्टीप्लाइड बाई ये काम कर लो, इधर का ले लो। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर सपोज मुझे, ठीक है, सपोज अगर मुझे RA निकालना होगा तो P मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, सामने वाला, ये हो गया L/3 डिवाइडेड बाई L, ऐसा आप लोगों ने याद किया होगा, कुछ लोगों ने जरूर ये शॉर्टकट पढ़ा होगा, आई थिंक, मुझे लगता है कुछ लोगों ने ऐसा शॉर्टकट पढ़ा होगा, राइट? ये हो गया। अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर मुझे RA फाइंड आउट करना है तो P सामने वाला L/3 डिवाइडेड बाई L, और RB अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, इसके अपोजिट वाला, मतलब ये हो जाएगा 2L/3 और ये मेरे पास क्या हो गया, L, ठीक है। ये आप लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा होगा, गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब यहां पे एक चीज समझिए, ये शॉर्टकट कब अप्लाई है, राइट? अगर मैं क्या करूं, अगर यहां पे मैं, यहां पे जो मटेरियल यूज कर रहा हूं, मान लो इस मेंबर के लिए जो मटेरियल है उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, इस मटेरियल के लिए जो यहां पे मैं मेंबर यूज कर रहा हूं उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है, तो क्या ये जो आपके पास शॉर्टकट है, क्या ये शॉर्टकट आपके काम आएगा क्या? क्या ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आपको सेम रिजल्ट देगा क्या? ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या दोनों मटेरियल का, अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर अलग अलग है, क्या इस केस में तुम्हारे पास ये शॉर्टकट काम आएगा क्या? तो आंसर है ये शॉर्टकट तुम्हारे पास काम नहीं आएगा। अगर इस शॉर्टकट से बनाने जाओगे तो तुम्हारा आंसर गलत ही आएगा, राइट? अगर आप ये शॉर्टकट यूज कर लोगे ना, क्योंकि ये शॉर्टकट तो है लेकिन ये शॉर्टकट के लिए कब आपके पास ठीक है, क्या एजम्पशंस होते हैं, क्या आपके पास कंस्ट्रेंट है, उन कंस्ट्रेंट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर यहाँ पे दोनों मटेरियल अगर अलग अलग है तब आपके पास ये शॉर्टकट नहीं है भैया, ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे निकालोगे तो आंसर आपके पास गलत ही आने वाला है, बात समझ में आ रहा है? तो शॉर्टकट की लिमिटेशंस होती है, तो उन लिमिटेशन को भी आप समझिए कि कब मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं और कब मैं शॉर्टकट नहीं लगा सकता हूं, ठीक है? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। शॉर्टकट तो मैं भी शॉर्टकट आपको बताता हूं, लेकिन जब शॉर्टकट बताता हूं तो इसके पीछे का जो कंडीशन है कि कब आप ये लगा सकते हो, कब आप ये नहीं लगा सकते हो, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, राइट? और ये सारी चीजें देखो बिना मैथमेटिकल एनालिसिस के, राइट? अगर मैं यहां पे ये बोल पा रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो शॉर्टकट, तो मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस जो है, इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है ये मेरे को पता है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस पता है, क्योंकि अगर मेरे पास मटेरियल अलग अलग है तो कभी भी यहां से आपके पास सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस करने से आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है, राइट? तो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप सॉल्व क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और या फिर आपके पास गेट के PYQs लगाओ, तो जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो कभी भी डायरेक्टली एंड सॉल्यूशन को मत देखो। एंड सॉल्यूशन को देखोगे हमेशा ये आपके पास एक गलत एटीट्यूड है, क्योंकि आपके पास सीधी सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है एंड सॉल्यूशन को देखोगे तो यार आपका दिमाग में अप्रोच बिल्टअप होगा ही नहीं, कभी नहीं बिल्टअप होगा, ठीक है? इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि जहां पे आप, ठीक है, चीजों को रट लिए और चले गए, ठीक है, आपको अप्रोच का आना क्या है, अप्रोच का आना आपके लिए जरूरी होता है। लाइक लास्ट पॉइंट जो था, जब फिफ्थ पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द रिटेनेबिलिटी, और रिटेनेबिलिटी में मैंने आपको बताया कोई भी चीज अगर आप नया पढ़ते हो तो उसको आप बहुत जल्दी भूलोगे, इस चीज का आप हमेशा याद रखिएगा।
कोई भी चीज अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसको आप बहुत जल्दी भूलोगे, तो जब नई चीज पढ़ते हो ना तो उसको हो सके तो आप 10-15 दिन के अंदर ही एक बार फिर से रिवाइज करो, एक बार फिर से रिवाइज करो। जब आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे तो कहीं अब वो आपके अंदर बैठेगा। फिर जब आप नेक्स्ट रिवीजन लो तो हो सकता है आपके पास 25 दिन या एक महीने का आपके पास गैप ले लो उस चीज को रिवाइज करने के लिए, राइट। तो पूरा का पूरा जब रिवीजन हम करते हैं ना तो एक सर्टेन, ठीक है, एक सर्टेन आपके पास, मैं बोलूं कि पीरियोडिक आपके पास रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन बहुत जरूरी होता है, राइट। सो रिटेनेबिलिटी के लिए तो पीरियोडिक रिवीजन होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये 5ों पॉइंट्स को आप दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, ठीक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं आप मुझे, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस है स्पेशल क्लास में, एफएम का फुल कंप्रेहेंसिव स्पेशल क्लास में आपके पास क्लासेस चल रही है एफएम का, आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज आपके पास ये सेशन मुझे इंगेज करना था तो वो स्पेशल सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कल से आपके पास स्पेशल सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जिनको भी अगर एफएम का कोर्स आपको करना है, एफएम का जो सेशन है वो आपके पास चल रहा है, ठीक है, स्पेशल सेशन पे चल रहा है, तो बिल्कुल आप वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल सेशन पे, ठीक है। और किसी के कुछ डाउट है, और क्या क्या चीजें थी, आप लोगों के क्वेश्चंस में ले सकता हूं, क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? सर एंट्रोपी कॉन्सेप्ट के कंप्लीट वीडियो बनाए सर, थर्मो में एक एंट्रोपी समझ नहीं आया। अरे एंट्रोपी कॉन्सेप्ट तो आज ही मैंने काफी अच्छे से समझाया है बिलाल, आप आज ही मैंने एंट्रोपी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सेशन लिया हुआ है तो उस सेशन को जाके देखिए, ठीक है। बार्क के रिगार्डिंग देखो यार, बार्क आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, बार्क के लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बार्क का जो सिलेबस है और गेट के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट ये मान सकते हो सेम ही सिलेबस है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ऐसी, कोई स्ट्रैटेजी तो मैं क्या बताऊं स्ट्रैटेजी आपको, बस ये है कि आपके पास जो गेट में आप लोगों ने कोई चीज अगर कोई छोड़ दिया होगा तो उसको जल्दी से जल्दी आप उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। मैथ्स और एप्टीट्यूड, जो मैथ्स होता है एप्टीट्यूड होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मैथ्स है स्पेशली नॉट एप्टीट्यूड, बार के एग्जाम में एप्टीट्यूड नहीं आता, मैथ्स जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसको अच्छे से कर लीजिए। जो पार्ट आप लोगों ने गेट 2021 देते टाइम पे अच्छे से नहीं किया था, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि बार्क में आपके पास बार्क का जो सिलेबस है और गेट के सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने पहले बताया सीनियर का शॉर्ट नोट्स कोई काम नहीं होगा, अपना आपको खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वैकेंसीज आर डिक्रीजिंग डे बाय डे, यस ये आपके पास बिल्कुल ये हो रहा है आपके पास, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब यार उसमें आप तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। अब ऐसा है यार, हमारे पास जितनी वैकेंसीज आती है फाइट तो हमको उसी में करनी है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास उससे हम लोग डर के, ठीक है, डर के हम लोग प्रिपरेशन ही छोड़ दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल पहले 50 वैकेंसीज आती थी, अभी 20 वैकेंसी आ रही है, तो फाइट तो हमको 20 वैकेंसी में करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, और कोई क्वेश्चन था, इफ प्रेशर वेरिएशन अर्थ लाइक लार्ज स्केल, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, सर हीट ट्रांसफर, बेटा हीट ट्रांसफर का कुछ दिन में आपके पास एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव वे में जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा हीट ट्रांसफर का। अभी आपके पास रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो बेसिक्स है वो बेसिक्स चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास कुछ दिन में आपके पास जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड आपके पास जो चीजें वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हीट ट्रांसफर भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल में आप बने हुए हैं तो इस चैनल में आपको सारी चीजें मिलेगी, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है आपके तो मैं, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, और कोई क्वेश्चंस है आपके? बाकी मैंने बताया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर आपको करनी है, आप बुक्स की बात करोगे, ठीक है, मेरे हिसाब से यार एक बुक तो, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक बुक तो आपके पास रहना ही चाहिए। जैसे मैं अगर मैं थर्मल वाले पार्ट की बात करूँ तो थर्मल वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, द पी के नाग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके पास पी के नाग की बुक तो रहनी चाहिए, है ना। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मेरी जो पर्सनल फेवरेट बुक है वो एस एस रत्तन की बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप इंडियन ऑथर में कोई बुक देखोगे ना, एकदम कंप्राइज मैनर में सारी चीज़ें आपके पास डील किया हुआ है,
तो SS रतन की जो बुक होती है वो काफी अच्छी बुक है, तो वो आप प्रिफर कर सकते हो, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपके पास हीट ट्रांसफर के लिए बुक होगी, तो हीट ट्रांसफर की जो बुक है वो भी आपके पास जो पीके नाग की बुक है, पीके नाग सर की जो बुक है वो बुक बड़ी प्यारी बुक है ना। तो पीके नाग की बुक आप हीट ट्रांसफर की बुक भी है वो प्रिफर कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन यार, इट्स अप टू यू, आप उस चीज़ों को करते हो या नहीं करते वो तो खैर आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि आपके पास एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड बुक तो मतलब रहनी चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो एक स्टैंडर्ड बुक या एक आपके पास जो स्पेशल मतलब स्टैंडर्ड बुक मैं बोलूँ, एक स्टैंडर्ड बुक तो आपके पास रहना ही चाहिए, है ना। तो वो स्टैंडर्ड बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड बुक ज़रूरी है ना। तो एक स्टैंडर्ड बुक तो रखना ही पड़ेगा आपको। बाकी देखो, बाकी हम लोग जो बाकी अल्टीमेटली आपके पास जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यार कोई भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करवाता ही करवाता है, राइट। उसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के करना है ना, और एक्स्ट्रा आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो कहीं ना कहीं वो भी एजुकेटर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज आप इंगेज करते हो तो टेस्ट सीरीज में आपके पास नए क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही चीज़ तो आपसे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आपको नया मिलता है ना, जब आपको क्वेश्चन नया मिलता है तो नए क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो नया क्वेश्चन मिलता है ना, नए क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नए क्वेश्चन में जब आप, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई चीज़ को आप रट के चले गए हो, ठीक है। तो कोई चीज़ को आप रट के चले गए हो तो आपके पास, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है उसको आपने रट लिया, तो आपके पास एक क्वेश्चन भला ही डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बस आपके पास थोड़ा सा आपके पास आधा तिरछा क्वेश्चन है। तो अगर आप रट के गए हो तो आप उस चीज़ क्वेश्चन को कभी नहीं डील कर पाओगे, लेकिन आप समझ के गए हो तो चांसेस बढ़ जाता है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओ, है ना। तो होप आपको ये सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। किसी और कोई डाउट है क्या? तो अदरवाइज मैं ये जो सेशन है इस सेशन को मैं फिर कंपाइल करता हूँ, ये जो सेशन है ना इस सेशन को मैं कंपाइल करता हूँ। बट जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के रिगार्डिंग, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काम आएगा, ठीक है। जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था, मैं जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, गेट वेट की प्रिपरेशन मैंने जब स्टार्ट की थी, तो मैं बिल्कुल इसी चीज़ पे ध्यान देता था, ठीक है। मैं अगर मुझे कोई एक नया एक प्रॉब्लम भी मिलता था ना, इवन मैं गेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करता था ना, तो मैं ये सोच के हमेशा जरूर करता था कि अगर आपके पास ये गेट का एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कोई चीज़ अगर पूछ दिया जाए, राइट, मैं एक क्वेश्चन बना तो रहा हूँ लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता था कि अगर ये पूछ दिया जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, या ये पूछ दिया जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, या ये पूछ दिया जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो कभी भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब लगाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक चीज़ आपको पूछा था, ठीक है, तो वही चीज़ आपने निकाल लिया और एकदम खुश होकर बैठ गए कि हाँ मैंने तो क्वेश्चन बना लिया। कोशिश करो, देखो कि अगर उसमें से और क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, और अगर और क्या क्या चीज़ें अगर पूछ सकता है तो क्या मैं उन चीज़ों को मैं टैकल कर पा रहा हूँ, क्या मैं उन क्वेश्चन को बना पा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। सर FM की क्लास होगी? बेटा आज FM की क्लास नहीं हो पाएगी, नवीन आज FM की क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। तो मैं रीज़न भी अब बता रहा हूँ कि FM की क्लास नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि ये एक सेशन लेना था, इसलिए ये सेशन के चक्कर इस सेशन के लिए FM की क्लास नहीं होगी। कल हम लोग नए FM का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, राइट, एक फ्रेश एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। और एक चीज और, मैं आपको एक और प्यारा सा सेशन मैं लेने वाला हूँ, जिसमें 2 बजे के आसपास, है ना, 2 बजे के आसपास मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि किसी भी रोटो डायनामिक मशीन के लिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पार्ट में दिक्कत जाती है, किसी भी रोटो डायनामिक मशीन के लिए आप वेलोसिटी डायग्राम कैसे बना सकते हो, किसी भी रोटो डायनामिक मशीन के लिए जो वेलोसिटी डायग्राम है, आप वेलोसिटी डायग्राम कैसे बना सकते हो, ठीक है। चाहे आपके पास आप कंप्रेसर पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास आप पंप पढ़ रहे हो, चाहे आप टरबाइन पढ़ रहे हो, टरबाइन में चाहे आप वाटर टरबाइन पढ़ रहे हो, या फिर आप स्टीम टरबाइन पढ़ रहे हो, किसी भी रोटो डायनामिक मशीन के लिए आप वेलोसिटी जो डायग्राम है उसको आप कैसे बना सकते हो, तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा एक अगले सेशन में, जो कि आपके पास 2 बजे के आसपास होगा, ठीक है। तो चलिए फिर उस सेशन में मिलते हैं। तो इस सेशन को एंड करने से पहले, ये जो सेशन है इस सेशन को एंड करने से पहले, ठीक है, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अंडर माई गाइडेंस, तो आप यूज़ कर सकते हो रेफरल कोड CHA10, ये आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वॉट यू विल गेट दी लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, प्रॉपर वे में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, राइट।
वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट प्रॉपर वे में डाउट सॉल्विंग क्लास हर थर्ड क्लास के बाद दैट फोर्थ क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग क्लास क्लास विल बी इन हिंदी एज वेल इन इंग्लिश क्लास आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लास कर सकते हो हिंदी में इंग्लिश में आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लास करिए राइट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट दी पर्सनल कोच राइट जिससे आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन प्रॉपर वे में स्टडी प्लान टाइम टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशन प्रॉपर वे में आपके पास टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर नोट्स एंड द मटेरियल ये भी आपको मिलने वाला है राइट अगर प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो राइट प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो 12 मंथ के लिए राइट तो 12 मंथ के लिए अगर प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा राइट अगर आप 12 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा राइट एंड देयर इज अ ईएमआई ऑप्शन आल्सो आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी है तो ईएमआई का ऑप्शन भी आप प्रिफर कर सकते हो ईएमआई के ऑप्शन पे भी आप जा सकते हो राइट एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो राइट एंड दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप सो ज्वाइन दिस ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप इस ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो राइट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन इफ यू रियली लाइक दिस सेशन अगर आपको बेनिफिट हुआ इस सेशन से तो सेशन को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड डे